हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो टेक्निकल जॉब के प्रिपरेशन को करने को लेकर के है, क्योंकि जो अधिकतर जगह है वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है टेक्निकल जॉब के लिए, जैसे जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन या असिस्टेंट इंजीनियर, हर जगह ये कोचिंग अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन। तो अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही मूव करना पड़ता है इन जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करें जिससे आप जल्दी से अपनी जॉब अचीव कर सकें, क्योंकि कई स्टूडेंट के बीच में ये क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से हम प्रिपरेशन करें और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकें। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट के पिछली वीडियोस में कमेंट्स भी थे कि सर, जो EAD ऑनलाइन क्लासेस, क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस और टेकपुर वाई एग्जामपुर है, इनमें कौन बेटर है, कहाँ से हम प्रिपरेशन करें और किसका पेड कोर्स खरीदें। तो मैं पेड कोर्स के बारे में तो कुछ भी बात नहीं करूँगा, ओनली जो यूट्यूब पे अदर चैनल है उनका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको मैं कुछ सजेस्ट जरूर करूँगा। साथ ही साथ फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग जहाँ से आप पेड कोर्स खरीदते हैं या पढ़ते हैं, कोचिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ में आपको मेहनत कराती है, लेकिन जो टोटल मेहनत होती है आपको जॉब अचीव करने में, उस मेहनत का ओनली 15% पार्ट ही आपकी कोचिंग कंट्रीब्यूट करती है, बाकी जो 85% है वो आपको सेल्फ अपनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये बात सही है कि यदि कोई कोचिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस और बाकी 15% मेहनत नहीं करवाए तो आप जो 85% मेहनत है वो भी आप सेल्फ नहीं कर पाओगे। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। जो स्टूडेंट बोलते हैं सक्सेस होने के बाद कि मैंने किसी कोचिंग नहीं की या मैंने सेल्फ स्टडी की, ये सब झूठ है, मिथ है, क्योंकि किसी गाइडेंस के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। किसी एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, फर्स्ट रैंक ला सकते हो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप क्वालिफाई क्रैक नहीं कर सकते हो बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग के। हो सकता है गाइडेंस देने वाले आपके पेरेंट्स हों या कोई बड़ा भाई हो तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और कुछ मेहनत चाहिए जो कोचिंग आपको कराएगी, तो फिर आपको ज़रूर ज्वाइन करना होता है। अब बात करें कि कौन बेटर है, क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस, EAD ऑनलाइन क्लासेस और टेकपुर वाई एग्जामपुर, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के ये कमेंट्स थे। तो यदि आप ITI के जस्ट बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप बिगिनर हो, तो आप क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस को चूज़ करो। वैसे कोचिंग तो सारी अच्छी होती हैं, बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ, क्योंकि मैंने दो जगह एक साथ फाइनल सिलेक्शन लिया था। तो स्टार्टिंग में आप क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस से जो भी उनकी यूट्यूब चैनल पे कंटेंट पड़ा है, सारा कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन करिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपको प्रिपरेशन करते करते और आप डिप्लोमा भी कर चुके हैं, तो आप क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस के अलावा EAD ऑनलाइन क्लासेस पर भी पढ़ाई करिए, जहाँ पर रमन सर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो एडवांस लेवल पर पढ़ाएंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस में जो महेंद्र पिंडल सर हैं वो ना पढ़ाएं, तो वहाँ वो चीज़ें रमन सर पढ़ा देंगे, और कुछ चीज़ें जो रमन सर ना पढ़ा पाएँ वो आपको महेंद्र पिंडल सर पढ़ा देंगे, क्योंकि टीचर को आता सब कुछ है लेकिन हर चीज़ वो नहीं पढ़ा पाता है। उसके लिए भी एक टाइम बाउंडेशन होती है, उनको भी यूट्यूब चैनल पर कुछ क्लिप, मतलब कुछ वीडियो डालनी पड़ती है। हो सकता है वो 1.5 से 2 घंटे की नहीं डालते हैं, 1 घंटे की, कुछ कंटेंट हर किसी से छूट जाता है बोलने में, बताने में। लेकिन फिर भी यदि आप बिगिनर हैं और यदि आप डिप्लोमा भी कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए दो चैनल बहुत अच्छे साबित होंगे आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में। हमने टेकपुर बाई एग्जामपुर से प्रिपरेशन तो नहीं की, बट फिर भी जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट वहाँ के मतलब वीडियो देखते थे जहाँ पे दीपा मैम पढ़ाती थी, तो वो प्लेटफॉर्म भी बेटर है, बट मैंने वहाँ से प्रिपरेशन नहीं की। मैंने क्वार्टरली टेक्निकल क्लासेस जहाँ पर महेंद्र पिंडेल सर पढ़ाते हैं और EAD ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पर रमन सर पढ़ाते हैं। रमन सर की इलेक्ट्रॉनिक्स वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि अब जो प्रेजेंट टाइम पे ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को लेकर के जो जॉब से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को हार्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ही डाल दी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में रमन सर बहुत बढ़िया हैं, वो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। और ध्यान रखना, आपको प्रॉपर गाइडेंस और कुछ मेहनत के लिए ही कोचिंग बनी है, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं। फाइनल सिलेक्शन तो आप अपनी मेहनत पे लोगे, क्योंकि 85% ज़्यादा होता है 15% से, तो वो आपको मेहनत करनी है। और कोई पेड कोर्स खरीदना ज़रूरी नहीं है, यदि आप इन दो चैनल के ऑनलाइन जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पड़ा है उसको पढ़ाएं, और जो पिछली वीडियोज़ में हमने बुक से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उन बुक को रीड करें आप सेल्फ,
तो आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, बस आपको एक डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई करनी है और कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई कर दी, बाकी 3 दिन आपने पढ़ाई की ही नहीं, तो फिर वो आपके 8 घंटे की भी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है, आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो फ्रेंड ये वीडियो थी जो स्टूडेंट के अंदर एक टाइप से डाउट रहता है कि कौन सी कोचिंग बेटर है। बाकी आपको अब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। कुछ टाइम बाद मैं आपको डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जो आपकी लाइव डिस्कशन क्लासेस चलेंगी। कुछ अभी अरेंजमेंट्स करना बाकी है, कुछ इक्विपमेंट्स आएंगे और छोटा सा रूम है तो उसमें भी जो भी चेंज वगैरह होगा। तो कुछ दिनों बाद आपकी डिस्कशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पे आपका काफ़ी डिस्कशन होगा। जो क्वेश्चन आपको हमसे पूछने हैं वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, प्रैक्टिस और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। आप बुक्स से रीड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन डिस्कशन से कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं जो आपको पहले कभी ना तो टीचर के द्वारा समझ में आई, ना ही आपको प्रैक्टिस में समझ में आई। तो कुछ टाइम बाद मैं आपकी डिस्कशन क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।